कि रामचरितमानस को बैन करने की मांग, यही जड़े लोग हैं। अकबर के गोले, मुगलों के गोले हमारे सीने पर लगी है, तब हमारी संख्या कम हुई है इस देश की रक्षा और मान और स्वाभिमान के लिए। जब तुम घर में सो रहे थे, उस समय हम देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहे थे। हमारी माताएं तिलक लगा देती थी और युद्ध के मैदान में भेज देती थी, और जो माताएं थी वो जौहर ले लेती थी, हमारी संख्या कैसे बढ़ जाती। हम तो देश के पुजारी हैं, देश के रक्षक हैं, हम देश के सिपाही हैं। राजपूत बटालियन है आज के जमाने में। पति और पत्नी का संबंध कैसा हो हमें संस्कार सिखाता है। ऐसे जो रामचरितमानस पर बोलने वाले लोग हैं, वो अनपढ़ गंवार हैं, वो उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। संख्या कम है, भागीदारी कम मिलनी चाहिए। अरे भाइयों, हमने हिजड़ों की तरह ताली बजाकर और ट्रक से कचरा कर हमारी संख्या कम नहीं हुई है। मोहम्मद गोरी के गोले, अकबर के गोले, मुगलों के गोले हमारे सीने पर लगी है, तब हमारी संख्या कम हुई है इस देश की रक्षा और मान और स्वाभिमान के लिए। संख्या की बात करते हो, जब तुम घर में सो रहे थे, उस समय हम देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहे थे। संख्या बढ़ गई तुम्हारी, 12 बरस के बच्चों को हमारी माताएं तिलक लगा देती थी और युद्ध के मैदान में भेज देती थी, और जो माताएं थी वो जौहर ले लेती थी, हमारी संख्या कैसे बढ़ जाती। हम तो देश के पुजारी हैं, देश के रक्षक हैं, हम देश के सिपाही हैं, हम समाज के सिपाही हैं। इसलिए हमारी तुलना संख्या से नहीं करो। जाट बटालियन है, सिख बटालियन भी है, राजपूत बटालियन है आज के जमाने में, और दूसरा बटालियन जरा बताइए ना। कहां गए लड़ने के लिए हम, मजा करने के लिए आप संख्या का गिनती कराते हो। अब तो इतना होने लगा है कि रामचरितमानस को बैन करने की मांग, यही जड़े लोग हैं, जिनको रामचरितमानस के बारे में ज्ञान नहीं है, वो पढ़ा नहीं है। रामचरितमानस क्या बताता है, क्षत्रिय धर्म क्या है, माता और पिता से संबंध कैसा हो, भाई भाई का संबंध कैसा हो, गुरु और शिष्य का संबंध कैसा हो, पति और पत्नी का संबंध कैसा हो, हमें संस्कार सिखाता है, हमें बड़बोलाई नहीं सिखाता है। तो ऐसे जो रामचरितमानस पर बोलने वाले लोग हैं, अनपढ़ गंवार हैं, वो उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए।